नमस्कार, मैं हूं अक्षय आनंद, आप एचएस बिहार देख रहे हैं। हमारे साथ इस बार महागठबंधन आरजेडी से पटना स्नातक क्षेत्र के एमएलसी कैंडिडेट आज़ाद गांधी हैं। चुनाव नज़दीक है, जानते हैं तैयारियां कैसी हैं, क्या चल रहा है सर तैयारी? देखिए, हम लोगों ने 2 तारीख को राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन प्रत्याशी के रूप में अपना नामांकन किया। नामांकन के समय में जो स्नातक साथियों का जोश और राजद कार्यकर्ता और महागठबंधन के कार्यकर्ताओं का जो जोश देखने को मिला, हम लोगों ने चुनाव आयोग के जो निर्देश था उसका पालन करते हुए हम लोगों ने नामांकन किया। नामांकन में अच्छी संख्या थी, जुटी। उसके बाद हम लोग अपना कार्यक्रम में लग गए। पूरे बिहार के युवाओं में और ख़ास करके पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के जो युवा मतदाता हैं, उन मतदाताओं में काफ़ी जोश खरोश है। किन खास मुद्दों पर या कहें वादों पर आप इस बार चुनाव में जा रहे हैं? सबसे पहला जो हमारा वादा था, जो हम 2002 से 2006 तक हम स्नातक क्षेत्रों का हमको प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला, 2014 और 2008 में काफ़ी कम अंतर से हमने चुनाव में पराजय का सामना करना पड़ा, लेकिन हम बैठे नहीं। हम एक लड़ाई सदन के अंदर होती है और एक लड़ाई सदन के बाहर होती है। हमने सदन के बाहर लड़ाई लड़ने का काम किया, क्योंकि बिहार 15 वर्षों के रिजर्व में नीतीश कुमार जब से बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं, युवाओं की हालात काफ़ी ख़राब हो गई। बेरोजगारी दर इतना बढ़ गया कि कोई इसका हिसाब किताब कहीं नहीं है, कहीं रोज़गार नहीं बिहार में। तो हम लोगों का मिशन है कि जो मेरा बिहार का युवा साथी पलायन हो रहा, स्नातक हरियाणा के सड़कों पर लिट्टी बेच रहा है, हमने कई साथी को जब पंजाब गया कुछ कार्यक्रमों में, वहाँ स्नातक साथियों को हमने रिक्शा चलाते हुए देखा, जो बिहार के लिए एक दुखद संदेश है, दुखद समाचार है। इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो हम तमाम युवाओं को चाहते हैं, जो युवा हमारा बिहार से बाहर हो गया और बिहार जो है अपमानित हो रहा दूसरे राज्यों में, उसको हम पलायन रोकने का काम करेंगे और यहाँ हम रोज़गार देंगे ताकि वो लोग दूसरे राज्यों में नहीं जाए, हमारी प्रथम प्राथमिकता। आप जान रहे हैं, आदरणीय नेता हमारे तेजस्वी यादव जी एक काफ़ी सोच के युवा के नेता हैं, देश स्तर के, राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं। हम कह रहे थे क्या कि ये तो बेरोज़गारी की बात हुई, इसके अलावा बिहार में शिक्षा परीक्षा और उसके नतीजों के जो हालात हैं सब लटका रहता है, आपके तरफ से जो बेरोज़गार युवा अभ्यर्थी है उसको क्या आश्वासन है? देखिए, जो हमारे जो युवा बेरोज़गार साथी हैं, जिनका कभी परीक्षा भी यहाँ जो मगध यूनिवर्सिटी हो चाहे कोई यूनिवर्सिटी बिहार में हो, इसका सेशन 1 ईयर्स लेट चल रहा है, समय पर होना चाहिए। इसकी लड़ाई मेरे द्वारा लड़ी जाएगी। दूसरा प्रॉब्लम है जो परीक्षा पत्र लीक हो रहा है, क्वेश्चन आंसर सब, मेडिकल का परीक्षा हो, इंजीनियरिंग का परीक्षा, जो भी परीक्षा हो, 4 घंटा पहले जो है पेपर आउट हो जाता है। इस राज्य के लिए दुर्भाग्य है भाई, जो व्यक्ति पढ़ रहा है अपना जो है दिन रात उसी में अपना समय लगा दिया, कितना मशक्क़त कर रहा है पढ़ाई में, और जब क्वेश्चन आंसर आउट हो जाता है तो फिर उसको तो लाभ नहीं मिलेगा। इसको हम लोग रोकने का काम करेंगे कि नहीं, जब रुकेगा तभी बिहार का जो लायक अच्छे लोग हैं, युवा साथी हैं, वो जाएंगे अपने सरकारी नौकरियों में। ऐसे सरकारी नौकरियों में जाने का अवसर इस नीतीश कुमार के शासनकाल में मिलने वाला नहीं है। इसकी लड़ाई हमारे द्वारा लड़ी जाएगी। क्या आपकी बातचीत है उन संगठनों से, जो चाहे दरोगा अभ्यर्थी हो या नियोजित शिक्षकों के संगठन है, कि अगर वो आपको समर्थन दे तो आप उनके लिए क्या करेंगे, क्या उनसे बातचीत हो रही है इसको लेकर? देखिए, आपको पता है कि नीतीश कुमार जी ने शिक्षा व्यवस्था को चौपट कर दिया। एक ही विद्यालय में 2 तरह के शिक्षक हैं, एक नियोजित शिक्षक हैं और एक अस्थायी शिक्षक हैं। हम लोग जो है और हमारी सरकार, हमारी पार्टी अपने चुनावी एजेंडा में यह प्रस्ताव देने जा रही है कि हम जो है जो नियोजित शिक्षक हैं उसको हम अस्थाई करने का काम करेंगे, और जो दरोगा अभ्यर्थी, कई लोगों कंप्यूटर शिक्षा संबंधी लोग हैं, जो तमाम लोग लटके हुए हैं जिनको बाहर कर दिया गया है बिना कारण दिए हुए,
कोरोना काल में भी जो कई संगठन के लोग हमसे मिलने के लिए आए थे, कंप्यूटर शिक्षा संबंधी जो लोग हैं, वो उनका कहना था कि सरकार एक तरफ अधिसूचना जारी की कि कोरोना काल का तनख्वाह हम आपको दे देंगे, लेकिन अभी तक बेचारा भूख के कगार पर है, जिसको 20,000-25,000 रुपया मिलता हो और कोरोना काल में उसको तनख्वाह नहीं मिला, भूख के कगार पर है। हम लोग भी इसके लिए नज़र में रखे हुए हैं कि उसकी मांगों को पूरी होनी चाहिए। आज़ाद गांधी बिहार के बेरोजगार ग्रेजुएट्स के साथ तो खड़े रहेंगे। हम लोग तो बेरोजगार का नेतृत्व विगत 2000 से कर रहा हूँ, 20 वर्ष हो गया, और हम लोग एक बड़ी लड़ाई लड़ने जा रहे हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूँ, हमारी पहली लड़ाई है, हमने सदन में भी इस बात को रखा था, जिसको मुख्यमंत्री जी को समझ में ना आया। हमने मुख्यमंत्री जी से कहा कि मुख्यमंत्री जी, बिहार का युवा गरीब काफ़ी मशक्क़त के पास आर्थिक तंगी के बाद वो स्नातक की डिग्री हासिल करता है, और डिग्री हासिल करने के बाद उसको नौकरी नहीं लगती है, तो वो अपना सर्टिफिकेट को बंधक रख कर करके, सेठ साहूकारों के यहाँ बंधक रख कर करके वह हरियाणा चला जाता है नौकरी करने के लिए। हम उसको रोकना चाहते हैं, और इसका एक ही उपाय है कि जब तक सरकारी नौकरी नहीं, कोई उद्योग धंधा जब तक लोगों को नहीं मिल जाता है, उस अवधि तक के लिए बिहार के बेरोजगारों को, स्नातक साथियों को आप 200 दिनों का रोजगार गारंटी सुनिश्चित करो। मुख्यमंत्री का जानते हैं क्या आंसर था? क्या मुख्यमंत्री ने कहा कि गांधी जी, यह प्रक्रिया बिहार में क्यों आप लागू करना चाहते हैं? हमने कहा मुख्यमंत्री जी से, बिहार कर्म भूमि है, हर राजनीति की शुरुआत चाहे स्वतंत्रता संग्राम की बात हो, बिहार से ही स्टार्ट हुआ है। मुख्यमंत्री जी, स्नातकों पर, बेरोजगारों पर ध्यान नहीं दीजिएगा, अगर आप 200 दिनों का रोजगार गारंटी सुनिश्चित कर देते हैं, जो वोटर लिस्ट का काम सरकारी कर्मचारी करता है, शिक्षक जो है वोटर्स बनाने का काम करता है, शिक्षा बाधित हो जाती है, तो मेरा बेरोजगार युवक जो गांव घर में झेल रहा है, अपमानित हो रहा है अपना डिग्री लेकर के, तो कम से कम स्नातक जो अपना मतदाता सूची का काम करेगा, कई काम है ना, EPL का, BPL का, इंदिरा आवास का, इन तमाम कामों को हम चाहते हैं, सरकार से हमारी बात हुई तो उसमें जो है, अगर वो काम अगर करता है स्नातक साथी 200 दिनों के अंदर, तो 15-20 हज़ार रुपया उसको मिलेगा, कम से कम अपना जीविकोपार्जन चलाने का काम करेगा। इसकी लड़ाई पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी आज़ाद गांधी लड़ने का काम करेगा। हमारा जो दूसरा है मेन मुद्दा, कि आप देखिए पूरे हिंदुस्तान में या बिहार में भी जातीय संगठन पर कई आयोग बने हुए हैं, अति पिछड़ा आयोग, महादलित आयोग, महिला आयोग, ये वोट बैंक की राजनीति नीतीश कुमार जी करते हैं कि कैसे हम वोट बढ़ा दें। तो हम सरकार से भी कई बार लड़ाई लड़े, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी 15 वर्षों के दरमियान में काफ़ी लड़ाइयाँ लड़ी गई कि हर चीज़ का आयोग है, हमारी पार्टी इसका विरोध नहीं करती है, लेकिन इस चीज़ का जरूर समर्थन करती है कि बिहार में युवा आयोग का भी गठन होना चाहिए, और उस कमीशन में फाइनेंशियल पावर होना चाहिए। अच्छा। फाइनेंशियल पावर जब तक आयोग को होगा, अब हम इंडस्ट्री बैठाने के लिए जा रहे हैं, हम पूछना चाहते हैं सरकार से आपके मीडिया के माध्यम से कि सरल नहीं है कोई बैंकों से ऋण लेना, खाली जो है बड़ा बड़ा विज्ञापन देखते हैं बैंक से, जब आप बैंक जाइएगा ऋण लेने के लिए तो लाखों प्रक्रिया, बूढ़ा हो जाइएगा, अगर आपकी आयु 35 बरस है तो 50 बरस लग जाएगा बैंक दौड़ते दौड़ते, वो भी नहीं मिलेगा। हम लोग अगर यूथ कमीशन को अगर यह पावर मिल जाता है कि आप इंडस्ट्री डेवलप करिए, बंद इकाइयां को चालू करिए, चाइना की तरह आप बिहार को भी बनाइए, भाई चाइना में घर घर में उद्योग, ऑस्ट्रेलिया में घर घर में उद्योग, डेनमार्क में घर घर में उद्योग, अमेरिका में उद्योग, हिंदुस्तान क्यों पीछे? इसलिए कि यहाँ का जो बैंकिंग प्रक्रिया है वो सरल नहीं है, इसको आसान करने की आवश्यकता है, अगर आसान नहीं करती है, अगर यूथ कमीशन बनता है स्टेट लेवल पर या नेशनल लेवल पर, तो उस कमीशन को जो है फाइनेंशियल पावर अगर मिलेगा, स्वतः इस बिहार में रोजगार बेरोजगारी दूर होगी। चलिए, तो आप आज़ाद गांधी को सुन रहे थे, बेरोजगारों को लेकर कई अहम बातें इन्होंने कही, आगे देखना है चुनाव का क्या हाल होता है। आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी बताइए। कैमरे के पीछे किशन है, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया।